नहीं मेरे लिए कुछ नहीं आई, मैं दाऊ अपनी बेटी बना की प्यार। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ये मेरे घर पे पधारे, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सदक संसार के अंदर। देखिए, जरूरतें जहाँ हों और वहाँ पहुँच जाए तो उस परिवार को पता होती है कि ज़रूरत क्या होती है। और अभी डाणी अहमद गांव के अंदर मौजूद हैं और यहाँ एक बिटिया की शादी थी, जिसका बताया गया हमें कि भी माता पिता नहीं है उनके। चलो, परिवार है और शादी है गुड़िया की। जी थे। जी, राम राम। हाँ जी, गुड़िया के मम्मी पापा नहीं है। कितने साल पहले गुजर गए? भाई साल में कोई याद नहीं, कितना साल हो गया? फिर भी 2 साल, 5 साल, 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। तो पढ़ाई लिखाई किसने करवाई? इसकी दादी चाचा ने। तो आज पूरा परिवार एक साथ है, मतलब खुशी भी है तो थोड़ा गम भी है, लेकिन बस चीज याद आप ना करके उस बिटिया ने अच्छी तरीके से विदा करा तो बहुत बढ़िया बात हुआ। तो एक कन्यादान की मुहिम अपने हरियाणा में अपने लुवाड़ू क्षेत्र में चला रखी है, उसके तहत एक टीम पहुंची है जिसने कुछ कन्यादान कराया। कितना कन्यादान कराया? 1,01,000। तो 1,01,000 रुपए कन्यादान। कितनी सहायता मिली? सहायता तो हमारे पास है, ठीक है, ये भी अच्छी है। आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत है, आदमी आए इतने जो आदमी आए आशीर्वाद देने, वो भी होता बहुत अच्छे है। क्योंकि गरीब परिवार में देखो पहुंच गया है, और लेकिन हालांकि पूरा परिवार समृद्ध है, लेकिन पहुंच गया है। अच्छा लगा। हाँ ठीक सा। तो आज 1,01,000 रुपए कन्यादान करया है। हाँ। शौक लगे हो? बढ़िया लगे हो, बहुत बढ़िया। जो देखो गरीब आदमी का गरीब होता है, बढ़िया है। क्योंकि जिस आदमी देखो सब कुछ होते हुए होता है ना, तो वो तो देता भी नहीं है भाई। कन्यादान तो देखो राह चलता व्यक्ति भी कर सकता है। बहुत घना रुपया, बहुत बड़ी बात करी है। धन्यवाद भाई। नहीं हाँ। है पूछा है, बहुत बढ़िया करे छे, धन्यवाद। दादी ने देखो कितना हौसला बनाया है। राम राम। राम राम। और ठीक हो? ठीक हो। तो बेटी ने पाली पोसी है, कितनी पढ़ाई बेटी ने? 12वीं में। 12वीं पढ़ाई। कितनी मुसीबत आई बीच में पढ़ाने लिखाने में? नहीं मेरे लिए कुछ नहीं आई, मैं दाऊ अपनी बेटी बना की प्यार। तो आज पूरा परिवार एक साथ है, मतलब बिड़िया को खुशी खुशी हम अलविदा करेंगे। मैं रखू ना उस अच्छे चाची चाचा रखे अपनी बेटी बना के। तो देखो एक टीम पहुंची है जो आपके घर पे, आपके द्वार पे एक छोटा सा आशीर्वाद देने के लिए आई है, कैसा लगा उनसे? बहुत बढ़िया लगा। इस समाज में एक अलग रीत छोड़ रहे हैं जी। कन्यादान कराया आपको? कितना कन्यादान कराया? 1,00,000। देखो भाई, मतलब कई बार क्या होता है, परिवार से दिल से अंदर से आवाज नहीं आ पाती है, लेकिन इनको पता भी नहीं होते हुए भी पूरा परिवार एक साथ बैठा है। कुछ और लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केर सिंह है जी। आप क्या लगते हैं उड़िया के? मैं तो इधर से गांव से। तो जो टीम पहुंची है और पूरा गांव एक साथ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये टीम राजवीर फटिया जी ने चला रखी है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसे बेटियों के कन्यादान, आज इनके माँ बाप न होते हुए भी उन्होंने वो कमी पूरी किया। तो ये रीति रिवाज है, राह चलते भी कन्यादान तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आज तक किसी का भी कहीं भी होता है, कहीं भी वो आज नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन फटिया जी की पूरी टीम उन्होंने भेजा है। लाइफ पूरा चलना चाहिए और मैं उनका आशीर्वाद दूँ लाइफ से। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, कितने पढ़े हैं आप? 12th। 12th है। 12th कर लिया आपने? तो पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब अपने जो टीम आपके घर पे पहुंची आशीर्वाद देने के लिए, गांव के सभी लोग गणमान्य लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ये मेरे घर पे पधारे, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। राजू भाटिया के लिए मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ उनका। देखो बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास होते हुए भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। जिन घरों में कुछ नहीं होता वहां पे वो पहुंचते हैं। तो आपके हिसाब से पढ़े हैं, गरीब परिवार के अंदर जब एक रोशनी होती है ना तो चिंगारी अलग से हो जाती है। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए जब गरीब घर के अंदर एक चिंगारी जलती है ना तो बच्चा पढ़ लेता है, पुराने समय की कहावत है। तो इस तरीके की स्कीमें, इस तरीके की मुहिम एक व्यक्ति को कहाँ तक ले जाती है आपके? सराहनीय कार्य किया है,
मैं नहीं बोलूं, मेरे बच्चे आ जाएंगे। वो हो जाता है कई बार, क्योंकि भाई माता पिता नहीं है, उनकी याद आ गई। लेकिन देखो हौसला देखो आपको रखना है, बिटिया को आपने विदा करना है। आप लोग कैसे करेंगे तो फिर बिटिया कैसे करेंगे विदा? खुशी खुशी करेंगे विदा। अब तो बड़ी खुशी, दुगनी खुशी हो गई। इतने सामाजिक कार्यकर्ता मिले, इतने सहयोग किया है, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, आपकी टीम पहुंची है, हर बार आप पहुंचते हैं, क्या संदेश लेकर के आए? हम तो जी जहां भी हमारे को निवेशन मिलता है वहां पहुंचते हैं और पूरा मान सम्मान मिलता है। नमस्कार जी, क्या नाम है? संदीप कांगी। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगे जो टीम आपके द्वार पहुंची है, एक संदेश लेकर के, पैगाम लेकर के? बहुत अच्छा लगा जी, एक भाई के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में राजवीर ने बहुत अच्छा स्कीम चलाई हुई है और बहुत अच्छा लगा। शादी में शरीक हुए उसके लिए परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अंबर जी आपसे पूछना चाहूंगा, एक संदेश जो राजवीर सिंह फर्टिया नहीं है, उन्होंने एक संदेश के माध्यम से आप पहुंचा है, तो उन्होंने क्या आशीर्वाद देकर के संदेश के माध्यम से? उन्होंने ये कह के भेजा है जी हमको कि बेटी को ये बोलना माँ बाप नहीं लेकिन माँ बाप की जगह मैं आपका माँ बाप भाई बन के हमेशा रहूंगा। बेटी को भरोसा दिलाना और बेटी को आशीर्वाद देना और उनको 1,01,000 रुपए कन्यादान करना। पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आज समाज से भी राजवीर सिंह फर्टिया नहीं आए लेकिन पूरी टीम आई है एक आशीर्वाद के रूप में देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? और किसान भैया साहब, 4 साल से लगातार राजीव फर्टिया जी की ये मुहिम और गति पकड़ रही है और ये बड़ा संदेश है उन लोगों को जो केवल समाज में ये कहते रहते हैं हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, लेकिन असली जो कोई काम कर रहा है धरातल पर है वो राजीव फर्टिया है। अब बेटियों का जैसे शादी है इस बेटी सपना की, और भगवान किसी के साथ ना करे, माँ बाप आज दुनिया में नहीं है तो ये सारा नहीं है, एक अपने से है, दिल से आत्मा से एक लगाव है। मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाह रहा हूँ, शादी के मौके पर बेटी के परिवार को और बेटी को तो आशीर्वाद है राजवीर फर्टिया की तरफ से भी, टीम की तरफ से भी। हमारे गांव में जब बेटियों की शादी होती है तो महिलाएं संगीत कार्यक्रम रखती हैं और उस संगीत में महिलाएं गीत गाती हैं हमेशा कि परिवार के लोगों का नाम लेकर के कि बेटी का कन्यादान ताऊ करेगा, बेटी का कन्यादान चाचा करेगा, बेटी का कन्यादान उसके भाई भतीजे सबका नाम लेती हैं। लेकिन लोहारू हल्के में एक अनोखी परंपरा है ये, किसी भी गांव में 36 बरादरी में किसी भी बेटी की शादी हो उस जब सहनाई के गीत गाए जाते हैं पहले शादी की तैयारी में तो कन्यादान का जो गीत गाया जाता है उसमें एक नाम नया और जुड़ गया है। आगे भी काका ताऊ चाचा भाई सब कन्यादान करते हैं लेकिन सब महिलाएं गीत गाती हैं कि बेटी का कन्यादान राजवीर फर्टिया भी करेगा। ये बहुत बड़ी है, बहुत किसी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को ये मौका मिलता है और ये तो बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है जी। मुहिम जरूरी है क्योंकि जब कन्यादान होता है बेटी का तो सही कहा जब पंडित जी होते हैं वो बुलाते हैं और बोलते हैं कि भी मामा जी ने ये कन्यादान किया है, नानी जी ये करेंगी, मामा जी ये करेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने हाथ से अपनी बहन का अपने परिवार के अंदर या समाज के अंदर किसी बेटे का कन्यादान करूं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि राह चलते व्यक्ति, क्योंकि कन्यादान पुरानी स्कीम है, पुरानी रीति रिवाजों के तहत चलती आ रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कन्यादान करता है तो उसके अंदर एक मन की आत्मा जो बोलती उठती है। कुछ ग्रामीण लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और मैं बता देता हूँ कि समाज से भी राजवीर सिंह फर्टिया की एक स्कीम है, एक मुहिम है जो उन्होंने लगातार लोहारू हल्के के अंदर चला रखी है और ये स्कीम जो आम एक व्यक्ति होता है। चलो आ जाओ, कुछ लोग और हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो जी राम राम। राम राम राम। क्या नाम है? बाल सिंह। कहाँ से बाल? गद्रा। गद्रा से। गद्रा राजस्थान से? राजस्थान से। चलो आप भी बुजुर्ग हैं पुराने समय से, बहुत सालों से एक कन्यादान जो स्कीम चलाई रही है, मतलब एक रीति रिवाज चलाई रही है, कितने साल से चलती आ रही है ये? पुरानी चल रही है कन्यादान की। तो कन्यादान तो हर कोई कर सका है? हाँ, कोई करो, मतलब क्योंकि कन्यादान है सब के लिए, सबके लिए, सब के लिए होता है। तो यहाँ एक लोहारू हल्के में एक स्कीम चला रखी है एक व्यक्ति ने भी, वो हर बेटे का कन्यादान करेंगे, करता है, सुना है? आज सुनियो अच्छा, आज तो के करके गए हैं भाई? 1,11,000। 1,11,000 रुपए। तो जो व्यक्ति जिसके घर ही खाना दाना नहीं हो
वहाँ पे अगर ऐसी स्कीम पहुँचती है तो कितना फायदा? बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। गरीब आदमी ने सोचा है कि मेरी बेटी आगे हो जाए। हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छा इसमें कन्यादान करता है, उसको बहुत अच्छा समझता है। कि दानी देखो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत होते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता इतने तेज दान देने वाला, 5-10 तो दे देते हैं, पर ये कन्यादान बहुत अच्छा। आपने अपने जीवन में देखे? हाँ, नहीं देखे, इससे पहले नहीं देखे, इतना तक कन्यादान नहीं देखे। आपके मन में क्या होगी, यू आदमी की शौक होगा? बहुत अच्छा आदमी बने, बहुत अच्छा, जो गरीबों के बारे में गरीबों के लिए सोचा, बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। जाओ कुछ और जो दिखा दे तस्वीरों के अंदर, ये टीम पूरी समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया की, जो तत्पर इस हलके के अंदर एक मुहिम, हलके को जगाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए गरीबों के अंदर, क्योंकि गरीब परिवार होते हैं, उनसे जुड़ाव रखना हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जुड़े, और पूरी टीम है यहाँ पे, कुछ और लोग हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से हो? मैं जगराम वास लाहौर के पास। अच्छा अच्छा, थोड़ा थाने की। तो ऐसी स्कीमों से आपके हिसाब से कितने लोगों को कितना फायदा मिलता है? फायदा देखो, आज ये परमात्मा ने जिस पोजीशन में यहाँ भाई साहब को भेजा है, उनकी तरफ से हम पूरी टीम जो आई है, तो इस हालात में तो उनके माँ बाप की पूर्ति तो नहीं हो सकती, और हम तो ये कहते हैं कि वो उनके माँ बाप से कम भी नहीं है। इतना बड़ा आश्वासन दिया, उसका बेसहारा ये सहारा बन के भाई साहब साथ में आए, पूरी टीम साथ में आई, तो समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जाता है और भाईचारे को जोड़ने का काम बनता है। टीम में है लेकिन आप तत्पर जाते हैं, आप लोग टीम का हिस्सा होते हुए भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जिनको पहले से ही मददगार होती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके होता है कि भी यह व्यक्ति कर रहा है, तो उन व्यक्तियों तक बहुत अच्छा होगा जो जिनको जरूरत होती है। तो आपके हिसाब से ये स्कीम कितने फायदेमंद है लोगों? फायदेमंद बहुत बेटी, चलो आज ये समझो आप कि माँ बाप भी चले गए, आज बार बहुत अच्छी मदद मिली है, इस बेटी का भी अच्छा मंडप सजेगा, सारी बातें समाज में भी अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल, बहुत जागरूक है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि भी उसकी बेटी अच्छे से विदा हो, कोई कमी ना हो, लेकिन उस कमी को पूरा ना करते हुए देखो इतना करते हैं, तो भी अपने आप में एक बड़ी बहुत बात, बहुत समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता है। नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। इसी गांव से? हाँ, झांडा सुनपुर से। तो सरपंच प्रतिनिधि? एक्स सरपंच रहे हैं। देखो गांव का मुखिया होता है सरपंच, उनकी नजरों में रहते हैं कि कहाँ के किसकी जरूरत होती है। सरकार के 51,000 रुपए कन्यादान लेने के लिए कितने कागजात लेने इकट्ठे करने पड़ते हैं, कितने मुसीबतों से जाना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे से नाम की वजह से वो कन्यादान राशि नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ तो एक कार्ड के माध्यम से कार्ड पहुंचा और वो तत्पर पहुंच जाते हैं, तो आपके हिसाब से कितना फायदेमंद? बहुत फायदा जी, समाज को मतलब एक बहुत बढ़िया संदेश जाता है हर एक आदमी को भी, मतलब राजवीर फरटिया जी देखो लड़कियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मतलब समाज में बहुत बड़ा दानी मान रहा हूँ। आई इसी मौके पर जिसके लड़की के माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, और एक बार राजवीर फरटिया की टीम पूछती है या भाई साहब पूछते हैं, तो मतलब एक बार तो उनकी चीज़ों की पूर्ति करते हैं, लेकिन माँ बाप तो नहीं जा सकते, लेकिन उनकी कमी तो महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल, देखो इसमें भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात। एक व्यक्ति अपना पैगाम दूसरे माध्यम से भेज करके एक घर के अंदर शरीक होता है, लेकिन ये हर पूरे मतलब लोहारू क्षेत्र के लोगों को, जहाँ 5100 रुपए हर बेटी का कन्यादान जो है उन्होंने एक स्कीम चला रखी है। ठीक है, देखो आज बिना माँ बाप की बेटी है उसको एक बेटी मानते हुए घर से विदा कर रहे हैं। 1,01,000 रुपए का दान किया है यहाँ पर राजवीर फरटिया ने, जो कि इसके माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, हम तो उसको तय दिल से शुक्रिया देते हैं। धन्यवाद। तो भाई ये तमाम तस्वीरें ये टीम देख रहे थे आप राजवीर सिंह फरटिया की, जो पूरे हलके के अंदर एक कहना चाहूंगा कि जिराग है, जो इस हलके को एक गोद ही ले रखा है, क्योंकि अपने आप के अंदर एक बड़ी बात हो जाती है जब एक व्यक्ति कन्यादान करने के लिए सोचता है कि मैं अपनी जेब से कितने पैसे निकालूं, लेकिन इन्होंने खुलेआम लोहारू हलके के अंदर, लोहारू क्षेत्र के अंदर एक पैगाम सा भेज रखा है कि भी किसी भी बेटी की शादी होगी तो वो मेरी बेटी की शादी होगी और वो मेरे कन्यादान से यहाँ पे विदा होगी। तमाम तस्वीर आप देख रहे थे लोहारू के भामाशाह राजवीर सिंह फरटिया, और अगले वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।